गए हैं सेलुलर जेल के अंदर। तो हम घूमते घूमते आ गए हैं चिड़ियापुर टापू में, क्योंकि पूरे पोर्ट ब्लेयर में जो सबसे अच्छा सनसेट होता है वो चिड़ियापुर टापू में होता है। ये है हमारा सेलुलर जेल का टिकट, जिसमें इंडियंस के लिए जो टिकट कॉस्ट है वो है 30 रुपीज़ और फॉरनर्स के लिए 100 रुपीज़। हम आ गए हैं सेलुलर जेल के अंदर। तो ये वही जेल है जहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को उनको पनिश करने के लिए जेल भेजा जाता था, जिसे काला पानी भी बोलते थे। इसे काला पानी इसलिए बोलते थे क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो टेरिटरी है पूरी पानी से घिरी हुई है। अगर कोई जो फ्रीडम फाइटर से या कैदी थे वो भागना भी चाहें तो यहाँ से बाहर निकल के कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें यहाँ बंद कर दिया जाता था। और उन्हें बहुत सारे ऐसे काम कराए जाते थे जो फिज़िकल हेल्दी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। उन्हें ढंग से खाना नहीं दिया जाता था। सारी ऑटोबायोग्राफी है जो यहाँ पर सेलुलर जेल में फ्रीडम फाइटर बंद रहते थे उनकी। मॉडल है सेलुलर जेल का, जब आप बाहर घूमेंगे तो ये ऐसी बनी हुई है पूरी। ये हम वीर सावरकर जी की कोठी के सामने हैं और इसी के ठीक सामने ये लाइट एंड साउंड शो होता है, बट आजकल कुछ मेंटेनेंस वर्क होने की वजह से हो नहीं रहा है।
अंडमान एंड निकोबार सागरिका एम्पोरियम, जो लोकल लाइट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो अपने हैंडमेड चीज़ें जो होते हैं यहाँ पे बेचते हैं और वो फिर आगे को बिकती हैं। ये सारी चीज़ें लोकलाइट्स ने बनाई है और ये गवर्नमेंट एम्पोरियम है। लोकलाइट जो है अपने हाथ से बनाई हुई सारी चीज़ें यहाँ लेके आते हैं और ये फिर आगे कस्टमर को बेचते हैं। ये ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो जो वुड के होते हैं और सी शेल्स होते हैं और जूट्स होते हैं, और इन्हीं सबसे लोकलाइट्स अपनी चीज़ें बनाते हैं। तो अगर आपको कुछ भी अच्छे सोवेनियर्स वगैरह लेने हैं अपने लिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये देखिए, जब भी आप अंडमान आए तो यहाँ ज़रूर आइए सोवेनियर्स लेने। ये देखिए, अगर आपको कोकोनट ऑयल लेना है प्योर तो यहाँ से आप ले सकते हैं और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये देखिए 350 रुपीज़ है और 500 ml है, और ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये कोल्ड प्रेस्ड, और इसकी प्राइस है 250 ml और 120 रुपीज़। अगर आप और किसी ब्रांड में लेने जाते हैं बाहर तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये बिल्कुल प्योर है और सस्ता है थोड़ा। लक्ष्मी जी की कौड़ी होती है। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ये कोकोनट से बनी हुई है। लक्ष्मी जी की कौड़ी ली है मैंने, ये पूजा के लिए यूज होती है, बहुत शुभ मानते हैं घर में रखने में। सागरिका एम्पोरियम के जस्ट बगल में खादी ग्राम उद्योग है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, सब हैंडमेड चीज़ें हैं। और ये देखिए, आपको दिखना होगा सी शेल से बनी हुई है सारी चीज़ें। ये खादी ग्राम उद्योग में शैम्पू भी बहुत अच्छे अच्छे हर्बल शैम्पू वगैरह और हर्बल ऑयल वगैरह है, बहुत अच्छी खादी ग्राम उद्योग में। ये आप आए तो देखिए, हर्बल रोज शैम्पू वगैरह है, यहाँ पर हर्बल शैम्पू ऑयल वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। जो हेयर के लिए हेयर कलर हम यूज़ करते हैं वो अच्छे नहीं होते, उससे अच्छा है कि आप यहाँ की खादी हर्बल मेहंदी और हर्बल काली मेहंदी यूज़ करो, ये बहुत अच्छे होते हैं हेयर के लिए। सागरिका एम्पोरियम से हमने सॉलिड वुड के वन पीस गणेश जी लिए हैं, इससे थोड़े बड़े लिए, वो 1700 समथिंग के पड़े हमें, और वह क्यूट से गणेश जी है। और सेकंड मैंने दो बॉटल्स ली एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल की, ये कोल्ड प्रेस है, और क्योंकि यहाँ पे कोकोनट ज़्यादा होता है तो ये 350 रुपीस की है 500 ml। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे ये देखिए 350 रुपीस की है, वहाँ पे जस्ट डबल में मिलेगी आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल की कोल्ड प्रेस वाली बॉटल। हम घूमते घूमते आ गए हैं चिड़ियापुर टापू में, क्योंकि पूरे पोर्ट ब्लेयर में जो सबसे अच्छा सनसेट होता है वो चिड़ियापुर टापू में होता है। और अगर आप पोर्ट ब्लेयर में मरीना पार्क के आसपास कहीं पे रह रहे हैं तो वहाँ से आपको लगेंगे 40 to 45 मिनट यहाँ चिड़ियापुर टापू आने में, क्योंकि वहाँ से जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है। और आपको मरीना पार्क से लेनी होगी ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड, और वहाँ से आप आगे ये कहीं कनेक्ट करेगी NH4 पे, आपको NH4 पे ही रहना है, और NH4 ही सीधे जाता है चिड़ियापुर टापू पे। यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी, एक तो आप सनसेट देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क है, और इसी के पास है मुंडा पहाड़ बीच। और अगर आपको वंडूर बीच घूमने जाना है तो
तो वहाँ जाने के लिए NH4 में ही आप लेफ्ट को मुड़ते हैं चिड़ियापुर टापू के लिए और राइट को जाते हैं आप वंडूर बीच के लिए। और चिड़ियापुर टापू में स्विमिंग अलाउड नहीं है क्योंकि एक क्रोकोडाइल प्रोन एरिया है ये। और देखिए, इस चिड़ियापुर टापू से ही सामने दिखता है मुंडा पहाड़ भी। एंड दिस प्लेस इज हेवन फॉर बर्ड वॉचर्स क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सीजनल बर्ड्स आती है जिसके साथ आप फोटो क्लिक कर सकते हैं और घूम सकते हैं यहाँ पे। तो इस चिड़ियापुर टापू के ब्यूटीफुल सनसेट के साथ मैं इस वीडियो का यही एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और कल हम जाने वाले हैं रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।